हेलो स्टूडेंट्स यह पॉलिटिकल साइंस वीडियो सीरीज का पार्ट टू है यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए बेसिक फीचर ऑफ द दिलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरिटी जिसका ऑप्शन ए है अपसेल्यूटनेस ऑप्शन बी है इन ऑप्शन सी है डिविजिबिलिटी एंड ऑप्शन डी है एक्सक्लूसिवनेस तो यहाँ पे प्लोरलिस्ट कन्सैप्ट की बात कर रहा है और प्लोरिस्ट कन्सेप्ट में डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाता है ठीक है तो आप अपसेल्यूटनेस तो इसका सही आंसर नहीं होगा ठीक है और एक्सक्लूसिवनेस भी नहीं होगा बाकी आप बी और सी में वर्ड्स के आधार पे गेस कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी को प्लूरल सोसाइटी में या प्लिस्ट कन्सेप्ट को बहुलवाद भी कहते हैं तो प्लिस कन्सेप्ट अपसिटी में डिविजिबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आते हैं द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इफेक्टेड इन यू एस कॉन्स्टिट्यूशन आर तो ये एक ईजी क्वेश्चन है और ट्रिविया टाइप का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ट्वेंटी सेवन ओके तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यू एस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं ठीक है तो ट्वेंटी सेवन अमेंडमेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पढ़ते हैं कि फंक्शनल फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज रिप्रेजेंटेशन ऑन वोकेशनल बेसिस ऑप्शन सी है द फंक्शन ऑफ़ द रिप्रेजेंटेटिव आर वेल डिफाइंड और ऑप्शन डी है फ्री फ्री टू टू आर फंक्शन एज दे लाइक ठीक है तो बेसिकली जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्पेशली स्पेशलाइजेशन के आधार पे जो वर्क का डिवीजन होता है उसी को फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं तो इसके जो ऑप्शन बी है वो क्लोज आ रहा है इस वर्ड के ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑन वोकेशनल बेसिस ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं अकॉर्डिंग टू सिंडिकलिस्ट इन देयर सोसाइटी ऑफ देयर इन देयर सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर प्राइवेट प्रॉपर्टी ठीक है तो सिंडिकलिस्ट के अनुसार या सिंडिकल भी जिनको बोलते हैं उनके अनु उनके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर प्रॉपर्टी होगी वो कैसा होगा ठीक है तो विल ऑल टुगेदर बी एबलिस्ट ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है विल बी रिटेन अंडर ट्रस्टीशिप कंट्रोल ऑप्शन सी है विल बी मैनेज बाई चर्च और ऑप्शन डी है विल बी एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल राइट ठीक है तो सिंडिक Syndical, जो सिंडिकलिस्ट होते थे वो एक्स्ट्रीम बोलते थे ठीक है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम से ख़त्म हो जाएगी जो कि ऑप्शन ए में जिसका जिक्र है ठीक है तो इसका ट्वेंटी फोर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा ट्वेंटी फाइव पे आते हैं वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर वीक इन प्रिंसिपल एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रेशर ग्रुप विल फ्लरिस और वेयर वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर स्ट्रांग प्रेशर ग्रुप विल बी कर्वड ठीक है तो जहाँ बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली किसका है ये पूछा जा रहा है तो इसका जो सीधे सीधे ऑप्शन पे ही आते हैं इसका जो सही आंसर है वो है हरमन फाइनर ठीक है ये हरमन फाइनर का स्टेटमेंट है कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ वीक होती हैं वहाँ प्रेशर ग्रुप इवॉल्व होते हैं या फिर फ्लरिश होते हैं और जहाँ पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती हैं वहाँ प्रेशर ग्रुप जो होते हैं कर्व कर्व हो जाते हैं ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे आते हैं द एक्ट टप सेटलमेंट डील्स विद ठीक है एक टफ सेटलमेंट किससे डील करता है तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ जजेज फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिमूवल ओके ये इजी क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू सिंडिकेलिस्ट द फंक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी टेकन ओवर बाई तो ये एक बहुत ही ईजी और मतलब ईजिली गेस करने लायक ये क्वेश्चन है सिंडिकेलिस्ट जो होते हैं होंगे वो अपने ही मतलब स्टेट कंट्रोल खुद के द्वारा ही बात करेंगे ठीक है तो बोला है कि स्टेट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा एज पर द व्यू ऑफ सिंडिकेट सिंडिकेलिस्ट ठीक है तो वो इसका ऑप्शन सी सही होगा ठीक है सिंडिकेट्स के द्वारा ट्वेंटी एट पर आते हैं हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज ए शेयर ठीक है तो ये स्टेटमेंट सीले का है ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं वैसे ट्वेंटी एट का ऑप्शन है ए रूसो बी ब्राइसी सी सीले और डी अब्राहम लिंकन ठीक है तो ये ये स्टेटमेंट जो है कि इन डेमोक्रेसी एवरी वन हैज़ अ शेयर ठीक है इन डेमोक्रेसी इज अ हाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवरी वन हैज ये स्टेटमेंट किसका है सीले का ओके ट्वेंटी नाइन पे आते हैं द ग्रीस टू पंजशील डिकलेसन वेयर ये इजी क्वेश्चन है पंशील डिक्रेशन या पंशील समझौता जिसको बोलते हैं वो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था ठीक है आप कमेंट बॉक्स में जो है कि इसका ईयर बताना कि किस ईयर हुआ था ठीक है पंसिल जो समझौता है या पंसिल डिक्लेरेशन है ठीक है क्वेश्चन नंबर तीस पे आते हैं अरिस्टोटल वर्ड्स पीपुल सो कल्टिवेट द स्किल ऑफ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड वाट ठीक है तो अरिस्टोटल दो स्किल मानते थे कि कल्टिवेट होना चाहिए इंडिविजुअल के अंदर उसमें से तो पहला स्किल था प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा स्किल क्या था ठीक है तो राइटिंग म्यूजिक ये दो ये जो दो स्किल हैं ये अरिस्टोटल के अनुसार एवरी इंडिविजुअल में होना चाहिए प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड राइटिंग म्यूजिक क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आते हैं अफ ए गुड ब्यूरोक्रेसी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ठीक है तो एक अच्छा जो ब्यूरोक्रेट्स उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन पे आते हैं या फिर ऑप्शन ए पढ़ते हैं इट शुड बी इट शुड हेल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ये तो बिल्कुल गलत है ठीक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्यों जो है कि इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी लेगा ठीक है जो आ, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑप्शन बी है इट शुड प्रॉपरली गाइड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है ऑप्शन सी है इट शुड कीप इट रिकॉर्ड्स प्रॉपरली ये थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है कि हो सकता है ठीक है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिकॉर्ड को प्रॉपरली रखे और ऑप्शन डी है इट्स शुड अवॉइड गिविंग क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये बिल्कुल सही है क्लासिफाइड इन इंफॉर्मेशन जो है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर नहीं करना है ठीक है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे आते हैं हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया इसका सही आंसर है ज्योति बसु हु सेड दैट द प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ पावर ये स्टेटमेंट माइक माइकिया का है ठीक है माइकियावेली ने ऐसा बोला था कि प्रॉपर्टी इज ए सोर्स ऑफ पावर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इज इलेक्टेड फॉर ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है तो इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है टू ईयर्स बी थ्री ईयर्स सी फोर ईयर्स और डी फाइव ईयर्स इसका सही आंसर क्या है फाइव ईयर्स अब क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ आल एडोकेटेड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के संकल्पना सबसे पहले किसने की ठीक है तो ये क्या इसका सही आंसर होगा प्लेटो ने ठीक है तो प्लेटो का एक थियरी है या फिर कॉन्सेप्ट है कमिजा ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी जिसमें वो स्टेट के द्वारा जो है कि वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर आते हैं हु हुआ द स्कूल मेट ऑफ द उमर खयम द ग्रेट पोएट एंड हसीम बिन सवा द फाउंडर ऑफ द बतीनिया सेक्ट ऑफ अबासंस ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसका सही आंसर क्या है अल्फरावी ठीक है ये क्वेश्चन में भी किसी एग्जाम में ना आए यू जी सी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन थर्टी सेवन पे आते हैं द बोल सेविक रिवोलूशन टू प्लेस इन इसका सही आंसर क्या है नाइनटीन फिफ्टीन ठीक है रियलिस्ट आर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है रियलिस्ट आर रियलिस्ट आर द सपोर्टर ऑफ़ फार वेन इट इज़ नेसेसरी टू फर्दर आ रेसनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ठीक है तो रियलिस्ट जो होते हैं वो यही मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है और इस ऑप्शन बी में यही बात की जा रही है ओके okay. क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे आते हैं द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म डिफर्स फ्रॉम द नाइनटीन सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म इन सो फार एज ठीक है तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म जो है वो नाइनटीन सेंचुरी के इंडिविजुअलिज्म से कैसे डिफर करता है ऑप्शन ए क्या है इट प्लेस फॉर द ग्रेटर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल ये ऑप्शन गलत है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ग्रेटर फ्रीडम की बात नहीं करते हैं बेसिकली मॉडर्न जो इंडिविजुअलिज्म है ये कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है और नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी का जो इंडिविजुअल individual, इंडिविजुअलिज्म था वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात ज़्यादा करता था ऑप्शन बी है इट प्लीड्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट ये भी गलत है ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन सी है इट प्लीड्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स ये भी नहीं है ऑप्शन डी है इट अटैचेज ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू ग्रुप रेदर दैन इंडिविजुअल ठीक है ग्रुप ग्रुप फ्रीडम की ज़्यादा बात करता है ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करता है बजाय कि इंडिविजुअल फ्रीडम के क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे आते हैं द अर्लीस्ट राइटिंग ऑफ अरिस्टोटल कवर वाट सब्जेक्ट ठीक है तो जैसे शुरुआती जो राइटिंग है अरिस्टोटल की वो किस टॉपिक पे या फिर किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है इसका सही आंसर क्या है बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी पे फोकस ज़्यादा है जो अर्लीस्ट राइटिंग है अरिस्टोटल की तो पार्ट बी यहीं पर ख़त्म करते हैं या फिर पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे